need to have some sort of a creative take on the market out there. If you're good at representation and presentation of yourself, you can be a good representation and presentation for a brand or a business. Digital marketing ki by itself baat hai, it is literally marketing gone digital. Jinke businesses mein wo 3 se 5 saal aage chalna pasand karte hain, they were able to keep up. Graduate karke industry mein aate hain, they have a very limited scope of who they want to be or what they want to do. Career paths mein designation by designation ek role batana chahiye ki aapki growth path hai kya. औज़ बिल्लाह मिने शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लम अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिही बिकद्रि हुस्नेही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कॉपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल स्किल्स। जी हाँ, कौन सी ऐसी डिजिटल स्किल्स हैं जो कि हमें मार्केट में इन कर दे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करेंगे। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल। इनका बहुत नाम है मार्केट में और मीडिया हाउसेस में इन्होंने काम किया हुआ है। बड़े बड़े चैनल्स में ये क्रिएटिव हेड के पोजीशंस पे काम कर चुके हैं। दोस्तों, आइए मिलते हैं उमैर रजा से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट डिजिटल स्किल एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच उमैर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू फॉर हैविंग मी, सुपर एक्साइटेड टू बी हियर। आई हैव बीन फॉलोइंग योर प्रोग्राम सिंस इट्स वेरी इंसेप्शन and I must say you're doing a fantastic job and it's a pleasure to be here. Jazakallah, thank you. Umair, hamara jo topic hai, topic is very interesting and I think that you are the perfect for this topic. And topic is ki digital marketing ki jo skills hain wo kis tarah se value add kar sakti hain ek fresh graduate ke liye. Hum ye aap se pehle puchna chahenge ki jo banda enter hona chahe is digital marketing ke profession mein, वो क्या क्या पहले स्टेप्स ले 3-4 के वो एंटर हो जाए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर मैं सिर्फ अपनी एग्जांपल को कोट करूं, ऑब्वियसली देयर कैन बी अ नंबर ऑफ केसेस। आई थिंक एंड आई जेन्युइनली बिलीव दैट यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव टेक ऑन द मार्केट आउट देयर। आपको यू नीड टू बी द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु एंजॉयज बीइंग आउट देयर देमसेल्व्स। Because if you're good at representation and presentation of yourself, you can be a good representation and presentation for a brand or a business. So enter hone ke liye mera khayal hai you need to have that sort of an aptitude. Aapko cheezein aapko creative domain mein kisi na kisi kisam ka interest lazmi hona chahiye. It goes a long way because agar aap literally ek cheez canvas pe khud draw kar sakte hain, then that means ke aap usko, sky is the limit with where you can take it. जहाँ तक डिजिटल मार्केटिंग की बाय इटसेल्फ बात है, इट इज़ लिटरली मार्केटिंग गॉन डिजिटल। सो वो पोस्ट प्रोडक्शन के जितने भी सिनेरियोज में अगर आप अपने आप को फ्रैगमेंट कर सकते हैं या सेगमेंट कर सकते हैं, सबसे बड़ा हुनर जो काम आता है वो दिमाग की तख्लीक और हाथ से आप जो चीज़ अपनी स्क्रीन या अपने कैनवस पर क्रिएट करते हैं। सो आई बिलीव के क्रिएटिव डोमेन के लोग जो हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग में डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपनी जगह बनानी चाहिए। ज़बरदस्त। आपने बड़े बड़े इदारों के साथ काम किया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के साथ आप अटैच रहे, क्रिएटिविटी की बात हो रही है, तो कैसे एक स्टूडेंट को ये पता चलेगा कि वो एक क्रिएटिव आदमी है? एक तो ये कि आपका अगर तख्लीकी दिमाग है तो क्या आपको अपने काम को स्क्रीन पे देखने का शौक़ है? क्या आपको अपने काम को बिलबोर्ड पे देखने का शौक़ है? क्या आपको अपने काम को टीवी चैनल्स पे देखने का शौक़ है? अगर नहीं है तो दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। अब हम ज़रा थोड़ा सा अगर बिल्कुल डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग से कनेक्ट करें तो आपको अपना काम क्या अच्छे इदारों पे, बड़े नाम जो हैं फेसबुक हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, B2B में फॉर एग्जांपल लिंक्डइन आ जाता है, क्या आप चाहते हैं कि आपका काम इस तरह के चैनल्स पे रिप्रेजेंट हो एंड बिजनेसेस को और आपको ऑप्टिमाइज कर रहा हो, रिजल्ट्स क्रिएट कर रहा हो? मेरा ख्याल है कि अगर इन चीज़ों में आपको लगाव है या इवन इफ नॉट दैट
आप और मैं जिस तरह एक फोरम पे बैठ के बात कर रहे हैं, अगर आपको इस तरह शौक है कि मैं भी किसी दिन किसी फोरम पे बैठ के अपने आप को या किसी चैनल को या किसी इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यस, डिजिटल मार्केटिंग इज़ द डोमेन फॉर यू एंड यू शुड वर्क ऑन दैट। बिल्कुल सही। COVID-19 के बाद बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन चली गई, हम डिजिटल की तरफ ज़्यादा हमारा रुझान जो था वो गया। आप क्या समझते हैं कि हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था कि हमारा जो पाकिस्तान है या जो हमारे पाकिस्तान के इदारे हैं ये डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे, या कोविड ने एक हमें किक दिया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरी टेक इसमें मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से आती है। आई थिंक आपको तख्लीकी दिमाग के साथ किसी पॉइंट पे ज़िंदगी में ऐसे मेंटोर्स के अंडर या ऐसे समझदार दोस्तों के साथ ज़रूर काम करना चाहिए जो कि आपको बिज़नेस के बारे में समझा सकें, जो कि आपको बिज़नेस में के फ्रेमवर्क में कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो कि इकट्ठे डिनोमिनेटर्स काम करके रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, आपको उनकी एक अच्छी टेक, एक अच्छी गेज होनी चाहिए। 2017 में मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें वो 2000 प्लस एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन थी, और मैंने उन्हें बताया था कि आपके मैनेजेरियल मेन फ्रेम्स जो हैं, अनलेस एंड अनटिल के आप इन्हें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएं, आई फियर के इन द नेक्स्ट 2 to 3 years दे विल कलैप्स एंड यू विल नॉट बी एबल टू कीप अप विद देम। वेल, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कोविड हैपेंड एंड वही चीज़ सामने आ गई कि हमने एक इन हाउस इंतहाई सस्ता सा लेकिन वेल सॉर्टेड आउट एक दो अपने डिजिटल चैनल्स एक्टिवेट किए हुए थे, पूरी कंपनी उस पर प्रेजेंट थी, एंड 23 मार्च 2020 को अगर आपको याद हो तो हमारा पहला पाकिस्तान का लॉकडाउन जो है वो एक्टिवेट हुआ था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी वर वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कंटिन्यूड टू प्रोड्यूस वर्क रिगार्डलेस ऑफ द लॉकडाउन्स एंड द रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वगैरह। सो आई थिंक कि जिन लोगों को स्ट्रेटजी की अच्छी गेज है, जिनके बिजनेसेस में वो 3 से 5 साल आगे चलना पसंद करते हैं, दे वर एबल टू कीप अप। मीडियम एंड स्मॉल टीयर आउटफिट्स ने काफ़ी स्ट्रगल किया था बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रैक्टिसेस काफ़ी रूडमेंट्री चल रही थी। हाउएवर आई बिलीव के अब वो चीज़ काफ़ी हैमर इन हो चुकी है, लोगों को समझ आ चुका है कि इसके बगैर आगे चलना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल सही। अच्छा उमैर, आपने काफ़ी इदारों में काम किया, मीडिया हाउसेज में। एक और क्वेश्चन जो कि मैं अपने फॉलोअर के बिहाफ पे पूछना चाहूँगा आपसे, पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड ऑन फेसबुक, आसिफ अली शाह फाउंडेशन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा आई थिंक दैट कॉन्ट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है लेकिन आई नीड टू आस्क। ओह नहीं नहीं, प्लीज गो अहेड। और क्वेश्चन ये है कि मीडिया हाउसेज में पॉलिटिक्स बड़ी ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं, रिटेंशन के बड़े इश्यूज़ हैं, तो उमैर साहब से ये हमारे बिहाफ पे बिल्कुल उनसे ये पूछे क्या वाकई ऐसा है, अगर ऐसा है तो उसका सलूशन क्या है? उसका सलूशन अपने पे जिम्मेदारी लेना सबसे पहले है। मैं और आप जिस एज ग्रुप से हैं, हमने बड़ी मुख्तलिफ जनरेशन को डील किया है सीनियोरिटी पोजीशंस में, और आपको पता है कि उनकी कॉम्पिटेंस जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की होती थी। अगर मैं अपनी एज ग्रुप की बात करूं, हमारी जनरेशन की, तो हम लोग एक्चुअली ना उनमें से किसी का भी स्टेप्स को फॉलो करना चाहेंगे, रादर वी वुड वांट टू बी वेरी कैलकुलेटेड ऑपोजिट ऑफ इट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, यंग टैलेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, अगर वो यंग टैलेंट डायरेक्टली आपके साथ इंटेग्रेट नहीं भी हो सकता, बट एज समवन हु इन द पास्ट 2 ऑर्गेनाइजेशंस इन द लास्ट 11 मंथ्स हैव इंटरव्यूड ऑलमोस्ट 500 प्लस इंडिविजुअल्स, यू नीड टू बी द सॉर्ट ऑफ पर्सन जो कि उनको डायरेक्शन ज़रूर दे सके। दैट आई फील लाइक कि आप जिस पोस्ट के लिए हमारे पास आए हैं, एक सिर्फ एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, एक सिनारियो बता रहा हूँ कि अगर आप इस पोस्ट के लिए हमारे पास हैं, आई डोंट थिंक यू आर देयर, एंड इन ऑनेस्टी यू आर एक्चुअली डूइंग देम अ लॉट ऑफ बेनिफिट बिकॉज फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स आप अगले 5 मिनट में उनको एक रोड मैप दे सकते हो कि आप अपने इन एट्रीब्यूट्स पे काम करो, पर्सनल इंटेग्रेशन अपनी जो है बिजनेस की इन एक लर्निंग कोर्स जो है वो अपने लिए डेवलप करो, दुनिया में फिरो, लोगों से मिलो, एंड यू नो फ्रॉम देयर पेव द राइट डायरेक्शन फॉर पीपल, रिगार्डलेस के आया वो आपके साथ काम कर रहे हैं या किसी और आउटफिट में हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई रियली फील के कॉम्पिटेंस में हमें बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, वी नीड टू हैव अ वेरी ओपन हार्ट एंड एन ओपन माइंड टूवर्ड्स कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन हेल्दी होता है, आप उससे लर्न भी करते हो और आप उसकी वजह से ग्रो भी करते हो।
अपने आप पे अगर आपको एतमाद हो तो यू वेलकम कॉम्पिटिशन, अगर आपको अपने आप पे एतमाद नहीं है तो फिर आप कॉम्पिटिशन से भागते हैं एंड देन देयर बाय द पॉलिटिक्स एंड द लेग पुलिंग एंड दूसरे को डिग्रेड करना एंड प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में पर्सनल होना, फिर इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। सो आई थिंक के एक हमें हमारी आने वाली नस्लों को और हमारी जनरेशन को ख़ास तौर पे जो कि विल बी द सोल बेयरर्स ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग आवरसेल्व्स एंड नॉट बी लाइक व्हाट वी यूज्ड टू बी। बिल्कुल सही। अच्छा उमैर, आपके साथ जब हम सेशन प्लान कर रहे थे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आई थिंक हमें आपसे पूछना चाहिए एंड दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू इकोनॉमिया। आप माशाल्लाह करियर में आपने बड़े इंटरव्यूज़ किए होंगे और आप इंटरव्यूज़ कर भी रहे होंगे, डू यू थिंक दैट देर इज़ अ गैप बिटवीन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड इकोनॉमिया? अगर ये गैप है, इस गैप को कम कैसे किया जा सकता है और यूनिवर्सिटी को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? सो सबसे ये ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन आई मस्ट से, एंड अगर ये किसी व्यूअर ने प्लेस किया है तो इवन मोर थैंक यू टू देम। यस, देर इज़ अ गैप एंड गैप इज़ फिनोमिनल, आई वुड से इट्स गेटिंग वर्स। जैसे मैंने पहले बात में एक डिफरेंट सेगमेंट में एक बात कवर की है कि स्टूडेंट्स जब हमारे पास ग्रेजुएट करके इंडस्ट्री में आते हैं, दे हैव अ वेरी लिमिटेड स्कोप ऑफ हु दे वांट टू बी और व्हाट दे वांट टू डू। दे अब मैं आपके साथ सिर्फ फॉर एग्जांपल डिज़ाइन एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री की अगर आप बात कर लूँ, बिकॉज मेरी बैकग्राउंड असल में तो वहाँ से है। स्टूडेंट्स हैव एब्सोल्युटली नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, बेसिक एक जमा एक दो दुनी दो वाली बातें नहीं पता होती हैं, सिर्फ अपनी एक छोटी सी स्क्रीन में, एक छोटी सी दुनिया में, एक डोमेन में अपने आप को सेगमेंट करके उसमें सही तरह से स्पेशलाइज भी नहीं किया हुआ होता, बट दे आर हैप्पी विद हु दे आर। अनदर फ्लॉ दैट केम अबाउट, जो कि मैं अपने इंटरव्यूज़ में बहुत रेगुलरली पूछता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर आपको हम डायरेक्टर क्रिएटिव की पोस्ट पर लेके आ रहे हैं, What's the next logical post for you to grow towards? And 97 to 9, and ये बड़ा खतरनाक stat है कि 97 to 99% of the times young people do not have the correct answer for it. Now इसमें आप exceptions ज़रूर कर सकते हैं कि अच्छा चले ठीक है, एक ऐसी environment create किया जाए जिसमें yes और no, सही और गलत में भी उतना ज़्यादा matter ना करता हो, but you must have a clue, आपको career का एक कुछ अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने next क्या करना है। आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मैनूवर करेंगे तो किस कैंडिडेसी से किस कैंडिडेसी पे आपने मूव करना है, आपकी सैलरी ब्रैकेट क्या होनी चाहिए। एंड यही वजह है कि आप देखें हमारी मार्केटिंग एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री जो है इसमें एक देयर इज एन अंडरकटिंग एलिमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एज वेल, अनफॉर्चुनेटली ये नज़र आ जाता है। देर आर अ लॉट ऑफ फेक क्रिएटिव्स आउट देयर एंड यंगर लॉट डजंट नो हाउ टू मिटिगेट द स्ट्रॉन्ग वन फ्रॉम द वीक वन, द ओरिजिनल वन फ्रॉम अ फेक वन। सो मेरा ख्याल है कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूट्स एज एन एकेडेमिया ऑफ, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग्स देना बहुत अच्छी बहुत लाजमी है। करियर पैथ्स में डेजिग्नेशन बाय डेजिग्नेशन एक रोल बताना चाहिए कि आपकी ग्रोथ पाथ है क्या। 90% ऑफ द टाइम्स पीपल आर नॉट क्लियर ऑन इट, सो इफ देयर इज एनी इनटेक दैट आई कैन गिव, Yes, it would be कि ये रोड मैप क्लियर किया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एनी फाइनल वर्ड अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन, प्लीज गो अहेड। यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, वी नीड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यू, वी नीड योर इंडिपेंडेंट वॉइस इन द मार्केट, कीप एट इट नो मैटर व्हाट हैपेंस, एंड इफ देयर इज एनीथिंग एवर आई कैन डू टू हेल्प बी माई गेस्ट। थैंक यू। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। उमैर रज़ा हमारे साथ थे, सीजन प्रोफेशनल थे। इन्होंने हमें ये बताया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप किस तरह से ला सकते हैं, इदारों में किस तरह से आ सकती है और एक इंडिविजुअल किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत पे दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।